सो हेलो नमस्कार दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों में से कोई भी सिंगर बनना चाहते हैं तो बंसीधर चौधरी के जैसा आप लोग सिंगर कैसे बन सकते हैं। तो जैसे कि दोस्त आप लोग जानते होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं बट किसी रीजन के वजह से सिंगर नहीं बन पाते हैं एंड उन लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होता है, इसी के वजह से सिंगर अच्छी तरह से सिंगर नहीं बन पाते। तो दोस्त मैं आज आप लोगों को ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर उस टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे सिंगर लाइन में। तो दोस्त इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को तो दोस्त मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि दोस्त अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि दोस्त मैं इस प्रकार का वीडियो जब भी डालूंगा तो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्त बिना टाइम गंवाएं इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को तीन टिप्स बताऊंगा जो कि दोस्त आप अपने लाइफ में अगर आप लोग अपने लाइफ में वो बात को फॉलो कर लिए तो दोस्त आप 100% सिंगर लाइन में सक्सेस पा लेंगे। तो चलिए दोस्त टिप्स नंबर वन, बंसीधर चौधरी जैसा सिंगर कैसे बनेंगे। तो दोस्त इसके लिए मैं आपको तीन टॉपिक्स बताऊंगा। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते हैं मेहनत, संघर्ष एंड काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, जैसे कि दोस्त नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे मेहनत के ऊपर। तो दोस्त जानते होंगे कि कोई व्यक्ति जब अपने लाइफ में मेहनत नहीं करेगा अच्छे ढंग से तो वो एक अच्छी तरह से मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्त इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना है पहली बार और तब जाके आप एक अच्छी तरह से सिंगर बन पाएंगे। तो चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं संघर्ष के ऊपर। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते होंगे कहीं अगर आप लोग सिंगर बनना चाहते हैं तो दोस्त कहीं मान लीजिए दो गाना चार गाना गा दिए फिर भी नहीं चला तो दोस्त आप घबराइए मत, आपका गाना एक ना एक दिन जरूर चलेगा। तो दोस्त इसके लिए आपको घबराना नहीं है, संघर्ष बनाकर रखना है तभी दोस्त आप लोग सिंगर बन पाएंगे। तो दोस्त अब हम बात करेंगे नेगेटिव के ऊपर। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोग कई गाना गाते हैं और गाना अच्छा नहीं लगा तो कई लोग कहते हैं ऐसा गाना गाता है वैसा गाना गाता है। तो दोस्त इसके लिए आपको लोगों पर ध्यान नहीं देना है और अपने काम के ऊपर फोकस करना है। तो दोस्त जितने ऊपर आप अपने काम पर फोकस कीजिएगा उतना ही आपको काम में सक्सेसफुल मिलेगा। तो दोस्त इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति से नेगेटिव नहीं होना है। तो चलिए दोस्त अब हम बात करेंगे टॉपिक्स नंबर दो के बारे में। अगर आप लोग सिंगर लाइन में आ गए तो पैसे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्त आप लोग सही सुना, अगर आप लोग सिंगर लाइन में आ गए हो तो प्लीज आप लोग पैसे पर ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्त कोई व्यक्ति शुरुआती दौर में पैसा नहीं कमाता है। अगर आप कामयाबी हो गए तो दोस्त आप एक दिन बहुत सारे रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्त पहले आपको रुपया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्त अगर आप लोग सिंगर लाइन में आना चाहते हो तो प्लीज आप लोग एक बात समझ लीजिए, इज्जत एंड नाम कमाने के लिए ही सिंगर लाइन में आना चाहिए, क्योंकि दोस्त आप एक दिन इज्जत और नाम कमा लिए तो दोस्त आपको जो है ना कामयाबी एक दिन आपको कदम चूमेगी। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि जब दोस्त कामयाबी आपको एक दिन मिल जाएगी तो दोस्त पैसों आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्त आप लोग सही सुने हो, अगर आप लोग सिंगर लाइन में आते हो तो प्लीज आप लोग पैसों पर ध्यान ना दें, अपनी इज्जत और नाम कमाने के लिए ही सिंगर लाइन में आइए। तो दोस्त अगर आप लोग इस टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छी तरह से पालन करते हो तो दोस्त आप लोग 100% सिंगर बन जाओगे, बंसीधर चौधरी के जैसा ही सिंगर एक दिन नामी बन जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि दोस्त मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।